सबका सपना होता है डॉक्टर बनना, पर डॉक्टर कैसे बने ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ। अगर आपको मेरे से लाइव पढ़ना है तो बिल्कुल मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर भी पढ़ाते हैं और हम लोग बैचेस में पढ़ाते हैं, 11th और 12th के बैचेस में पढ़ाते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप इस मेरे रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर एस के सिंह है, जो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो डबल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन जो होता है, मतलब डबल सर्कुलेशन को अगर आपको समझना है तो मैं यहाँ पे एक नया इमेज से बताऊँगा। बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड एट सिस्टम, इसे हम एट सिस्टम बोलते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड एट सिस्टम, बिकॉज ऊपर जो होता है हमारा लंग्स होता है, बीच में हमारा हार्ट होता है, ठीक है, और नीचे मान लीजिए कोई टिश्यू या कोई सेल होता है, ठीक है। तो होगा कैसे कि मान लीजिए कि लंग से जो होगा डी ऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हार्ट में आएगा। सो दिस इज़ अ सिंबल ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो दिस इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हार्ट से पूरी सेल में, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तो दिस इज़ अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ हेयर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि टिश्यू ने और सेल ने उस ब्लड को यूज़ किया, सारा का सारा चीज़ यूज़ किया, और फिर हार्ट के अंदर डाल देगा इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। तो दिस इज़ कॉल्ड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो दिस इज़ कॉल्ड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और फिर यही डी ऑक्सीजन ब्लड फिर से हार्ट में चला जाएगा और फिर उसके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट हैं वो बाहर निकल जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल कंसेप्ट इज कॉल्ड एट सिस्टम, इसमें एट सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। और इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर उसके बाद पूरे टिश्यू में जाएगा, फिर डी ऑक्सीजन ब्लड। तो एक समथिंग एट की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इस सिस्टम को हम एट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में भी देखेंगे तो दिस इज़ अ लंग्स, दिस इज़ अ पल्मोनरी वेन। आपको पता है कि पल्मोनरी जो वेन होता है वो कैरी करता है और ये हार्ट के अंदर लेके आएगा और फिर उसके पूरे बॉडी और टिश्यू में ट्रांसफ़र करेगा और फिर वो हार्ट में ही ट्रांसफ़र होकर चला जाएगा। सो दिस इज़ अ डबल सर्कुलेशन एंड दिस इज़ कंसिडर द एट सिस्टम। सो रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, मतलब यूँ तो ऐसे समझेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है। खुद से उसके अंदर एक पोटेंशियल होती है कि वो अपने अंदर खुद से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, खुद से रिलैक्स हो सकता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि इसके अलावा भी बहुत ऐसे सिस्टम होते हैं जो हार्ट का भी थोड़ा सा, मतलब ब्रेन का भी योगदान होता है। तो आर हार्ट इज़ रेगुलेटेड इंट्रेंसिकली, दैट इज़ कॉल्ड ऑटो रेगुलेशन। जो भी हार्ट का रेगुलेशन होता है वो ऑटो रेगुलेशन होता है। ऑटो रेगुलेशन कहने का मतलब ये होता है कि जो हार्ट की एक्टिविटी होती है वो अपने आप ही होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कहीं किसी का रोल नहीं होता है। सो दिस इज़ अ स्पेशलाइज टिश्यू दैट इज़ कॉल्ड नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू और स्पेशलाइज टिश्यू इसे कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एस ए नोड। सो द एस ए नोड इज़ फॉर्म्ड, एस ए नोड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेट द इम्पल्स फॉर द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट जो होता है, दो टाइप का हार्ट होता है, वन इज़ कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट एंड अनदर इज़ कॉल्ड न्यूरोजेनिक हार्ट, ठीक है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है कि दे आर ऑटो रेगुलेटेड बाय द नोडल टिश्यू, खासकर एसए नोड और एवी नोड। तो जिनमें जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन या जो भी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के मैसेज होते हैं, खुद से ही हार्ट के ही कुछ स्पेशलाइज्ड मसल करते हैं, ऐसे हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। एग्जांपल द ह्यूमन हार्ट, सो इट इज़ नॉट अ रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम। हमारा हार्ट जो होता है नर्वस सिस्टम से रेगुलेटेड नहीं होता है, हमारा हार्ट जो होता है अपने आप ही रेगुलेट होता है। वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूरोजेनिक हार्ट, सो दे आर रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। एग्जाम्पल द लोअर एनिमल्स, द लोअर एनिमल्स इसके लिए रिस्पॉन्स, जितने भी लोअर एनिमल्स होते हैं
वो सारे के सारे न्यूरोजेनिक उनमें हार्ट होता है, बिकॉज उनका हार्ट जो होता है उनके ब्रेन से रेगुलेट होता है। तो हमारा हार्ट ब्रेन से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जो इम्पल्स होते हैं, वो इम्पल्स खुद ही खुद हार्ट के जो स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू हैं वो जनरेट करते हैं, SA नोड और AV नोड। इसी वजह से हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है, और जितने भी छोटे एनिमल्स होते हैं उनका जो हार्ट का कंट्रोल होता है वो ब्रेन के थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। ऐसे हार्ट को हम न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ऐसे कौन कौन सी बीमारी है जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, द डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। सो डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि डिसऑर्डर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन के बारे में बात करते हैं कि आपने देखा होगा एशिया और इंक्लूडिंग द इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो बीपी से हैं, ठीक है। बीपी उनका बढ़ा रहता है, घटा रहता है, मतलब हाइपरटेंशन रहता है, बीपी बढ़ा रहता है, हाइपरटेंशन। और एक उम्र आने के बाद, मतलब कि अक्सर देखा जाता है कि 4 में से 3 लोग जो होते हैं वो बीपी और हाइपरटेंशन या कार्डिक रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझते ही जूझते हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है कि हमारे इंडिया और एशिया में इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है द डिज़ीज़ रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई आंसर बता सकता है, कुछ कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। व्हाट इज़ द रीजन फॉर द दैट देयर इज चांसेस टू द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डिसऑर्डर रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम इन इंडिया एंड एशिया, क्यों, क्या कारण है। कारण तो बहुत ही अनेक होते हैं, मतलब एक तो समथिंग ऐसा, जैसे अगर हम बीपी और हाइपरटेंशन और इवन एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण को अगर हम एक तह तक जाने की कोशिश करें, तो जो कॉजेज होते हैं, या कॉजेज को ना कह के हम अगर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर अगर कहें, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कहने का मतलब ये होता है कि ये फैक्टर्स जो होते हैं, दे कॉजेज योर हाइपरटेंशन, राइट। तो इसमें दो फैक्टर्स बेसिकली आते हैं, पहला कि दैट इज़ कॉल्ड नॉन मॉडिफिकेबल या नॉन मॉडिफिकेशंस वाले, एंड अनदर इज़ कॉल्ड मॉडिफिकेशन कहने का मतलब कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम नॉन मॉडिफिकेशन के बारे में बात करें, तो एज, बढ़ती उम्र के साथ ऐसा देखा जाता है कि हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस और जो ये सारे बीमारी कॉमन होने लगती है। दूसरा, सेक्स कहने का मतलब ये है कि द मेल आर मच प्रोन टुवर्ड द फीमेल, यानी मेल जो है, मेल के इंसिडेंस जो होते हैं हाइपरटेंशन के और कार्डिक रिलेटेड डिजीज़ के, वो कहीं ज़्यादा होती है फीमेल से। ऐसा इसलिए ऐसा होता है क्योंकि फीमेल में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो प्रोटेक्टिव वैल्यू करती है हार्ट डिजीज़ के लिए। बट आफ्टर मीनोपोज, अगर हम कहें आफ्टर मीनोपोज मतलब कि एट द एज ऑफ 45 और 50 ईयर, एस्ट्रोजन मतलब कि बराबर हो जाते हैं, मेल इक्वल टू फीमेल, राइट। तो ये हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, सेक्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। और तीसरा है जेनेटिक, मतलब कि ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी परिवार में हाइपरटेंशन या कार्डिक रिलेटेड डिजीज़ अगर होते हैं, तो उस परिवार में देखा जाता है कि वहाँ पे देर इज़ चांसेस टू डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट डिजीज, राइट। मॉडिफिकेशन जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल को सही करके, इस हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। ओबीज अगर हैं, ओबेसिटी इज़ ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलपमेंट ऑफ द कार्डिक रिलेटेड थिंग्स। तो अगर आप ओबीज हैं, मोटापा है, तो उसको आप ठीक करके आप कार्डिक रिलेटेड डिजीज से बचा सकते हैं, तो ये हमारे हाथ में है। दूसरा ओसीपी होता है, दैट इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। 12th में आप पढ़ेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो जो फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं, तो देयर इज इंक्रीज चांसेस टू द डेवलपिंग ऑफ डेवलप द हार्ट डिजीज। तो ओसीपी इज अनदर कॉजेस। तो ये सब मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं। स्मोकिंग
Smoking is also a play a very much role to development of the hypertension and cardiac related problem. So this is a main reason to predisposing the heart disease. और हमारे इंडिया में ये काफ़ी रहता है, हमारे इंडिया में लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा रोल है. ओबीज काफ़ी लोग हैं, ओसीपी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, स्मोकिंग का रेट ज़्यादा है. सो दिस इज़ अ कॉजेज टू डेवलपमेंट ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन और एथरोस्क्लेरोसिस और इवन और किडनी प्रोलॉन्ग किडनी डिजीज कैन ऑल्सो दैट इज प्री डिस्पोजिंग फैक्टर टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. सो बेसिकली जो हाइपरटेंशन होता है जो मैंने अभी ये बताया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जिससे हम कोई भी एथरोस्क्लेरोसिस या हाइपरटेंशन या कार्डिक रिलेटेड डिजीज़ इन सारे चीज़ को इससे आप रिलेट कर सकते हैं. वन इज़ कॉल्ड नॉन मॉडिफाई अनदर इज़ कॉल्ड मॉडिफाई. सो हाई ब्लड प्रेशर दैट इज़ अ हाइपरटेंशन. द हाइपरटेंशन इज़ अ टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट हायर देन द नॉर्मल. तो नॉर्मल हार्ट रेट जो हमारा होता है 120/80 mmHg. अगर मान लीजिए ऊपर वाले को सिस्टोलिक कहते हैं, मैं इस चैप्टर में आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है क्योंकि हम लोग बचपन में आरडी शर्मा पढ़ते थे, आरडी शर्मा मैथ्स के लिए. तो आर फॉर द रिलैक्स, डी फॉर द डायस्टॉल. तो डायस्टॉल मतलब ये रिलैक्स वाला कंडीशन है. तो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कितने प्रेशर से ब्लड को भेजता है. जैसे मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट पंप मतलब कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कितने प्रेशर से ब्लड को भेजता है, ठीक है, पूरे ब्लड में. तो दैट इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक. और उस समय थोड़ा रिलैक्स हो जाता है तो उस समय जो ब्लड का प्रेशर होता है 80 रहता है. तो 120 इज़ अ सिस्टोलिक वैल्यू वाइल द डायस्टोलिक इज़ अ 80 इज़ अ डायस्टोलिक वैल्यू, राइट. अगर 120 से 140 हो जाए और 80 से 90 या 100 हो जाए, इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं. आप सोच सकते हैं कि इतनी तेज़ी से हार्ट जो है ब्लड को फेंकेगा. तो आपको पता है कि 1/5 part ऑफ द ब्लड विच इज़ पम्प बाय द ईच वेंट्रिकल्स इट डायरेक्टली गोज़ टू द किडनी के पास जाते हैं. तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको नहाना है तो नॉर्मल अपने शावर से नहा सकते हैं, बट अगर बहुत तेज़ी से आपके ऊपर पानी गिरे तो आपको बहुत नुकसान और चोट लगेगी. ठीक उसी प्रकार मान लीजिए हमारा किडनी है तो किडनी के अंदर बहुत ही तेज़ी से ब्लड जाएगा तो इसके सेल्स ख़राब हो जाएंगे, दे कॉज द किडनी डैमेज. तो प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन जो होगा और काफ़ी दिनों तक अगर प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन अगर होगा तो दे लीड टू द किडनी डिजीज़. किडनी डिजीज़ भी बहुत तरीके के होते हैं तो किडनी डिजीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. दूसरा चीज़ ऐसे समझ सकते हैं आप कि अगर मान लीजिए कि बहुत तेज़ी से ब्लड पंप होगा तो हमारे आई में ज़्यादा है तो आप देखेंगे कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट का जो आई होता है वो रेड हो जाता है. तो दैट रेड आई एंड दैट लीड टू द रेटाइनल डिटैचमेंट. अलग अलग सिम्बल्स होते हैं, वो मेडिकल कॉलेज में जब आप जाएंगे तो वहाँ से सीखेंगे, राइट. तो ये सारा चीज़ होता है. ब्रेन में भी दिक्कत हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है. तो ये सारे चीज़ जो होता है हाइपरटेंशन के नुकसान वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन कैन लीड टू द किडनी डिजीज़ क्योंकि किडनी में बहुत ही तेज़ी से वो सारे चीज़ आता है. दूसरा चीज़ ये है कि दैट इज़ सो देखिए यहाँ से क्या हुआ कि द पम्पिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज़ हायर देन नॉर्मल. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बहुत तेज़ी से ब्लड जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है द पम्पिंग एक्टिविटी जो है हार्ट की बहुत ही ज़्यादा है. दे अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक द ब्रेन और किडनी पे इसका असर मिलता है देखने को. तो वॉट इज़ द मेडिसिन यूज टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन. तो अगर एज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ और क्लिनिक में बैठता हूँ तो मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो वो कहता है कि मेरा बीपी बढ़ा रहता है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि उसका बीपी नापूंगा. तो आप क्या बता सकते हैं मुझे कमेंट करके कि बीपी नापने वाली मशीन को क्या बोलते हैं. व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मेजर द बीपी ब्लड प्रेशर. आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा मशीन है जो बीपी को नापती है. और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ऐसा कौन सा मशीन है जिससे हम बीपी को नापते हैं.
सो यस द बीपी द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एस्पिग्मोमीटर। तो ये जो मशीन है वो बीपी को कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा एज अ डॉक्टर, उसका बीपी नापूंगा। अगर बीपी मुझे मान लीजिए 140/90 आ जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको मैं क्या करता हूँ कि इंजेक्शन देना पड़ेगा, इंजेक्शन लेबेडालोल, लेबेडालोल, ठीक है, 40 mg का होता है। आईवी देंगे, आईवी स्टार्ट मतलब तुरंत देंगे ताकि बीपी बदन सडन डाउन हो जाए, स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जैसे वो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल अगर हो जाएगा फिर हम उसे कहेंगे कि एक पेज पे पूरा सुबह और शाम का बीपी चार्टिंग मुझे चाहिए। 7 डेज का चार्टिंग देखूंगा उसका, और मुझे लगता है कि वो 180/80 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, यानी 130 बार बार आ रहा है, 132 आ रहा है ना, तब उसको मैं बीपी की मेडिकेशंस देना स्टार्ट करूँगा। ऐसे नहीं कि एक ही रीडिंग पे बीपी की दवाई देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो बेसिकली जो टैबलेट देते हैं, टैबलेट एम्लोडिपिन, 5 or 10 mg, दैट इज़ अ बीटा ब्लॉकर, एक कैटेगरी है, आप पढ़ेंगे टैबलेट। लोसार्टन, टेलमीसार्टन, बहुत सारे आती हैं, टेलमीसार्टन एक्चुअली ये एंजियोटेंसिन ब्लॉकर है, एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, और ये रामापरिल एसनोफ्रिन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं होने देता है। मैंने किडनी में पढ़ाया है आप लोगों को, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं होने देता है, तो 2 जो होता है हाइपरटेंशन करता है, तो रामापरिल एसनोप्रिल इसको नहीं करने देता है। तो ये सारे मेडिकेशंस जो होते हैं हाइपरटेंशन के लिए दिए जाते हैं, जो उसको बीपी को, उसका बीपी जो है कंट्रोल करके रखे। सो द कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, जैसे मैंने बताया था अभी, वन इज कॉल्ड यू कैन मॉडिफाई डाइट, लाइक ओबिसिटी डाइट, यस डाइट इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाई अमाउंट ऑफ लाइक फैट, हाई अमाउंट ऑफ लाइक एक्सेसिव फैट और मीट, है ना, एग, दे कॉजेज अ हाइपरटेंशन, दे कॉजेज द हाइपरटेंशन, दे कॉजेज द हाइपरटेंशन, राइट। सो हाइपरटेंशन का ये बहुत बड़ा रोल होता है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लाइफ स्टाइल की अगर बात करें तो एक्सरसाइज, योगा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डेवलप द दैट्स मॉडिफाई द हाइपरटेंशन, राइट। एंड हेयर इज अ नॉन मॉडिफाइड द एज, इस बढ़ती उम्र के साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सेक्स हाइपरटेंशन जो होता है मेल में काफ़ी ज़्यादा होता है, और जेनेटिक फैमिली अगर हिस्ट्री है तो बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती हैं, दैट इज़ कॉमनली कॉल्ड CAD। इसमें एक आता है दैट इज़ कॉल्ड एथरोस्क्लेरोसिस, एथरोस्क्लेरोसिस, नाम से ही पता चल रहा है कि एथ्रो का मतलब होता है आर्टरी, ठीक है, एंड एस्क्लेरोसिस का मतलब होता है नैरोइंग, नैरोइंग मतलब कि जो आर्टरी है वो नैरो हो गई है, पतली हो गई है, पहले वो मोटी थी पतली हो गई है। कारण ये है कि देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। तो पहले आप देखिए जिसमें ब्लड जो होगा बहुत ही नैरो जगह से जाएगा, ब्लड का जो जाने का एरिया है वो काफ़ी कम हो गया है। सो देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल फाइब्रस टिश्यू एंड द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी बिकम नैरोअर। ल्यूमेन का मतलब ये होता है कि जो एरिया है वो काफ़ी कम हो गया है। सो द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल इज लेस एंड द हार्ट टिश्यू विल बी डाई, हार्ट टिश्यू धीरे 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 डाई हो जाएंगे। तो बेसिकली एथरोस्क्लेरोसिस इज वेरी कॉमन इन कोरोनरी आर्टरी। तो एथरोस्क्लेरोसिस इज वेरी मच कॉमन इन कोरोनरी आर्टरी में सबसे ज़्यादा होता है। अब आप पूछेंगे कि कोरोनरी आर्टरी होती कहाँ है, तो कोरोनरी आर्टरी सपोज दिस इज अ हार्ट, ठीक है, और ये हार्ट जो होती है तो हार्ट के मसल्स को भी तो क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो हार्ट में जो भी सप्लाई करती है छोटी छोटी आर्टरी, दैट इज़ कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। तो इस आर्टरी में जो है प्लाग बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे प्लाग बन गया, यहाँ पे आपने सुना होगा ना कि किसी का एक जो है
वेन ब्लॉक है या नस ब्लॉक है, ऐसा सुना होगा। तो यही होता है कि जितना ज़्यादा यहाँ पे डिपोजिशन होने लगेगा तो ब्लॉकेज होने लगेगा। तो ये ब्लॉकेज को ही हम एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, क्योंकि इससे फ्लो क्या होगा, मसल का कम होने लगेगा, दे लीड टू द चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होने लगेगा, फिर उसके बाद उसको पसीने आने शुरू हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन होने लगेगा। सो पेशेंट जो होगा ज़्यादा चल नहीं पाएगा, दैट इज़ अनेबल टू वॉक, इवन अनेबल टू वॉक, ठीक है, वो चल नहीं पाएगा। तो ये सारे से सिम्टम होंगे। तो ये सब जो होते हैं दे आर सिम्टम रिलेटेड टू द कॉरोनरी आर्टरी डिजीज एंड इट इज़ क्वाइट कॉमन इन इंडिया। एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरालिस, ये पेक्टोरालिस बेसिकली क्या होता है कि चेस्ट जो होता है, चेस्ट के ऊपर जो मसल्स आपको दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड पेक्टोरालिस, है ना, पेक्टोरालिस। तो पेक्टोरालिस मेजर, पहला तो जो ऊपर ऊपर जो मसल होता है दे आर कॉल्ड पेक्टोरालिस मेजर। अब उस पेक्टोरालिस मेजर को हटाएंगे तो जो उसके नीचे जो मसल आएगा दैट इज कॉल्ड पेक्टोरालिस, पेक्टोरालिस, पेक्टोरालिस माइनर। तो माइनर और मेजर दो टाइप के मसल्स जो होती है बेसिकली चेस्ट पे होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस मसल्स में आर्टरी भी सप्लाई होंगी, है ना, और इस आर्टरी सप्लाई होकर इसे न्यूट्रिशन देंगे ताकि सही से काम करे। अब मान लीजिए इस आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, जो पेक्टोरालिस मेजर और माइनर को सप्लाई कर रहे हैं, इसमें ब्लॉकेज हो जाए तो इस मसल्स को क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। तो दैट इज़ पी फैक्टर, पी सब्सटेंस जो होगा, पी सब्सटेंस इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि जहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, सो देयर इज़ अ पी सब्सटेंस वेयर इज इंक्रीज एंड द कॉज अ पेन, पेन स्टार्ट हो जाएगा। सो एंजाइना पेक्टोरेलिस, पेक्टोरेलिस ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द कॉरोनरी आर्टरी ऑफ द हार्ट, और यू कैन से द मसल सप्लाई टू द पेक्टोरालिस मेजर और माइनर, और इवन कॉरोनरी आर्टरी जो होती हैं जो हार्ट के मसल्स को सप्लाई करते हैं, उनमें अगर ब्लॉकेज हो जाए इसमें अगर ब्लॉकेज हो जाए तो ये सारा चीज़ हो सकता है। सो द प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द हार्ट इज स्टॉप, प्रॉपर सप्लाई जो होता है जो ब्लड का होता है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, एंड देर इज़ नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल एंड द कॉजेज द अक्यूट चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज एंजाइना।